अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं और इनके बालों का बहुत ही बुरा हाल है। शदीद किस्म के टैंगल्स हैं इनके बालों के अंदर और बालों में जो है वो फंगस लग गई है, जिसकी वजह से बाल बिल्कुल जुड़ गए हैं एक दूसरे के अंदर। इवन इतने मोटी मोटी नोट्स हैं इनके अंदर के टेलकॉम नहीं जा रही थी अंदर और सीज़र नहीं जा रही थी अंदर। आप ये देख सकते हैं कि बालों के अंदर फिंगर तक एंटर नहीं हो रही, बाल इतनी बुरी तरह जुड़ चुके हैं। तो बहुत ही बुरा हाल था, ये तकरीबन इनके साथ 2-3 महीनों से ये प्रॉब्लम हो रहा था कि बाल जो हैं वो सुलझ नहीं रहे थे। इन्होंने अपनी तरफ से घर के अंदर जो है वो काफ़ी ट्राई की कि ये कॉम करें या ये जो है वो अपने बालों को सुलझाएं, लेकिन फंगस इस हद तक इनके बालों में फैल गया हुआ था कि इनके बालों के एक एक बाल के अंदर इतनी इतनी नॉट्स थी, इतनी इतनी गिरें थी कि हमें खुली जगह कोई नहीं मिल रही थी, कोई एक सिरा नहीं मिल रहा था बालों का, कोई एक लट प्रॉपर नहीं मिल रही थी। और दूसरा, इनके बाल फंगस के साथ इतनी ज़्यादा जुड़ गए थे। तो ये जो अभी मैं आपको कंडीशन दिखा रही हूँ, ये एक रात पहले मेरे पास आई थी और उसमें हम 2-3 घंटे लगा के ये कुछ बेहतरीन इनके बालों में ला चुके हुए थे। तो ये आपको इतने खुले हुए बाल नज़र आ रहे थे, वरना इनके वेस्ट तक बाल थे और वो इनके सर के पिछले हिस्से पर जुड़े हुए थे। बट अब मैं इनके बालों के अंदर जो है वो टैंगल्स के जो है वो टैंगल फ्री स्प्रे कर रही हूँ। इससे जो है वो इनके जो हैं बालों के जो टैंगल्स हैं यानी जो गिरे हैं वो और जो फंगस है वो सॉफ्ट हो जाएगी और हमें जो है वो काफ़ी सहूलत होगी इनके बालों को ओपन करने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बहुत ही ज़्यादा गिरे थी, मतलब कोई एक सिरा नहीं था इनके बालों के अंदर कि हमें कोई बाल सीधा मिल जाए और हम उसको निकाल लें। तो हमें एक बारीक लट निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। और ये जो आपको अभी बाल नज़र आ रहे हैं खुले हुए या इतने फूले हुए, वो हम 3 आवर्स ऑलरेडी एक रात पहले लगा चुके हुए हैं। ये मेरे पास बेसिकली रात में लेट आई थी, तो देन मैंने इनको नेक्स्ट डे बुलाया था, तो ये 12 PM पे आई थी और ये हमने काम स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा कि ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इंसान का अपने ऊपर इस चीज़ में बस नहीं था। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बालों के अंदर इतनी फंगस होती या उनके बाल इतनी बुरी तरह उलझ जाते। इतने लंबे बाल थे उनके और जो है वो अब उसका कोई सिरा नहीं था, और इसी टैंगल्स और फंगस की वजह से उनके सर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुएं हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये 4 आवर्स आप देख सकते हैं, हमने 4 आवर जो मज़ीद लगाए, तो उसमें सिर्फ़ ये चंद एक लटों को हम सीधा कर सके हैं। और हम मज़ीद मेहनत हमने की इसके ऊपर और हमने छोड़ा नहीं। लोग उनको मशवरे दे रहे थे कि आप गंजी हो जाएं और ये सब ऑल एंड डॉट, मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बुरी हालत में थी कि ये शदीद रो रही थी, बहुत डिसहार्ट थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जाहिर सी बात है बाल छुड़ाने में तकलीफ़ भी हो रही थी, क्योंकि एक एक बाल जो है जाहिर सी बात है रूट से जुड़ा हुआ था, लेकिन नीचे से जो है वो बाकी बालों के अंदर बुरी तरह उलझ गया हुआ था। तो इनके अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है वो टैंगल्स फ्री स्प्रे किया, टैंगल्स को सॉफ्ट करने के लिए, फंगस को सॉफ्ट करने के लिए। तकरीबन मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर ये स्प्रे यूज़ हुआ, तकरीबन 2 बॉटल्स जो हैं वो मेरी बिल्कुल ये पहले 4 घंटों के अंदर ही ख़त्म हो गई हुई थी, क्योंकि इनके बाल इतने ज़्यादा ड्राई थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ स्प्रे कर रहे हैं हम या कुछ मटेरियल लगा रहे हैं। तो वो डिफरेंट मटेरियल्स मैं यूज़ कर रही थी इनके बालों की रिपेयरिंग के लिए, इनके फंगस को ख़त्म करने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये करीब से कि इतने जुड़े होने के बाद इनके बालों का ये असर हो चुका हुआ था और इनके सर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइस आ चुकी हुई थी और सर में जो है वो हल्के हल्के अब ज़ख़म हो रहे थे, जिसके वजह से जो है वो जुएँ मज़ीद तकलीफ़ दे रही थी। तो ये काफ़ी अज़ियत के अंदर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 13 घंटे मज़ीद मेहनत करने के बाद हमें फ़ाइनल ये रिज़ल्ट मिले कि हमने इनके बालों को जो है वो बचा लिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लेंथ है इनके बालों की और इनके बाल अब टोटली टैंगल्स फ्री हैं। रिपेयर कर चुकी हुई थी मैं, ट्रीटमेंट दे चुकी हुई थी इनके बालों को, कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे से जो है वो ब्रश इनके बालों में स्ट्रेटली और स्मूथली जो है वो चल रहा था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब प्रोसेस किया। उसके बाद इनको क्योंकि इनके बाल जो हैं वो बालों की वजह से काफ़ी परेशान थे, तो वो फिर इनको रिलैक्सेशन देने के लिए हमने एक प्यारा सा कट दिया इनके बालों के अंदर, जिससे ये रिलैक्स हो जाएं। और इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत खुश होकर गई मेरे पास से और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि गंजे होने से तो बेहतर था। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाल बच गए थे और माशाल्लाह रिपेयरिंग हो गई थी उनके बालों की, ट्रीटमेंट दे दी गई थी, उनके बाल अब सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए हुए थे, प्रॉपर वॉश एंड जो भी चीज़ें हमें स्पा के लिए चाहिए थी, ट्रीटमेंट के लिए चाहिए थी, वो हो गई हुई थी। और इनके कट्स इनको हमने दे दिए हुए थे, तो बहुत खुश क्लाइंट थी। आप लोग भी हमसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए रुजू कर सकते हैं।